हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्क्यूरी इन नाइन्थ हाउस, बुध कुंडली के नवे घर या नवे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसा मैं अपने हर एस्ट्रोलॉजी लेसन में बताता हूं, अपने हर वीडियोस में बताता हूं, यहां पर भी वही कहूंगा। पहली बात, बुध के मैं यहां पर जो भी फल बताऊं, जो भी परिणाम बताऊं, उसके अनुपात पर पहुंचने से पहले उसकी डिग्री देख लें। यदि बुध की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो अपने ज्यादा फल दे पाएंगे। यदि बुध की डिग्री 10 से नीचे या 20 के ऊपर है तो उनके फलों में क्रमशः कमी आएगी, तो डिग्री देख लें। अगली बात दोस्तों ये कि बुध की एक दृष्टि होती है, बुध जहां बैठते हैं वहां से अपने सातवें घर को भी देखते हैं, अर्थात सातवें घर को भी प्रभावित करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, फर्स्ट वीडियोज देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अगली बात दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के वीडियोस होते हैं या फिर इस प्रकार के लेख होते हैं जहां पर सिर्फ एक ग्रह की बात की जा रही हो, चाहे आप मेरे वीडियोस देखें चाहे कहीं और देखें, इस तरह के वीडियोस या इस तरह के लेख जहां पर सिर्फ एक ग्रह की बात की जा रही है, जैसे कि यहां पर मर्क्यूरी इन नाइन्थ हाउस, यहां पर बुध की बात की जा रही है, तो ऐसे वीडियोज या ऐसे लेख एक सामान्य स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ग्रह की बात की जा रही है। हो सकता है आपकी लग्न कुंडली में नवे घर में कोई और ग्रह भी बैठे हो बुध के साथ, हो सकता है किसी और ग्रह का भी प्रभाव आपके नाइन्थ हाउस पर हो, हो सकता है किसी और ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको चल रही हो। तो यहां पर जो मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूं उनमें जरूर कमी पेशी हो सकती है, लेकिन यदि आपको बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तब जो मैं यहां पर परिणाम आपको बताने जा रहा हूं वो सटीक आपके ऊपर बैठने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने सामान्य बात की, अब बात करते हैं कि बुध नवे घर में होंगे तो अपने कैसे और क्या फल देंगे। दोस्तों कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं बैठता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ बैठता है। दोस्तों वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर या उस घर पर। तो दोस्तों आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि मर्क्यूरी इन नाइन्थ हाउस या बुध नवे भाव में, आज हम ये बात करेंगे कि मर्क्यूरी इन नाइन्थ हाउस विथ ऑल जोडियक साइन या ऑल नंबर्स, या फिर बुध नवे घर में बुध नवम भाव में अलग अलग नंबर्स के साथ या अलग अलग राशियों के साथ होंगे तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बुध किन नंबर्स या किन राशियों के साथ अपनी महादशा या अंतर्दशा में अच्छे फल देंगे। सबसे पहले हम अच्छे फलों की चर्चा करते हैं कि किन नंबर्स या किन राशियों के साथ बुध नवे घर में बैठेंगे तो अपने अच्छे फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। अब दोस्तों प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, यदि बुध एक नंबर या मेष राशि के साथ हो तो बहुत अच्छे फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। दो नंबर या फिर वृषभ राशि, इसके साथ भी बहुत अच्छे फल देंगे। तीन नंबर या फिर मिथुन राशि, पांच नंबर या फिर सिंह राशि, छह नंबर या फिर कन्या राशि, सात नंबर या फिर तुला राशि, आठ नंबर या फिर वृश्चिक राशि, दस नंबर या फिर मकर राशि और ग्यारह नंबर या फिर कुंभ राशि। यदि इन नंबर्स या इन राशियों के साथ बुध नवे घर या नवम भाव में बैठे हैं तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में बुध बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन इसके अलावा जो राशियां बची, कौन कौन सी राशियां बची या कौन कौन से नंबर्स बचे, चार नंबर या फिर कर्क राशि, नौ नंबर या फिर धनु राशि और बारह नंबर या फिर मीन राशि, यदि इनके साथ बुध बैठे हैं नवे घर या नवे भाव में तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में खराब फल देंगे। अब दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि बुध छह नंबर या फिर कन्या राशि के साथ उच्च के माने जाते हैं तो यहां पर अपने बहुत अच्छे फल देंगे, और बारह नंबर या फिर मीन राशि के साथ बुध नीच के माने जाते हैं तो यहां पर अपने खराब फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। अब दोस्तों हमने ये जान लिया कि किन नंबर से किन राशि के साथ अच्छे और खराब, अब हम ये जानते हैं कि क्या अच्छे और क्या खराब। सबसे पहले हम अच्छे फलों की चर्चा करते हैं। दोस्तों नवा घर क्या है, सबसे पहले तो हम ये जाने नाइन्थ हाउस क्या है। नाइन्थ हाउस है आपका भाग्य, आपका लक, आपका डेस्टिनी। आपके पिता का घर भी नवा घर है, आपके एजुकेशन का घर भी नवा घर है,
इवन हायर एजुकेशन जो होता है उसका घर नवा घर है, या फिर आप जो धर्म को मानते हैं या धार्मिक कार्य करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा इंसान बनते हैं, उसका घर भी नवा घर है। तो दोस्तों नवा घर बहुत अच्छा घर हो गया, बहुत पवित्र घर हो गया। और जब बुध नवे घर में बैठेंगे तो यहां से दृष्टि कहाँ डालेंगे? तीसरे घर पे। अब तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है आपका पराक्रम, आपका साहस, आपकी भागा दौड़ी, व्यर्थ की, फिजूल की भागा दौड़ी, छोटी मोटी यात्राएं, फिजूल की यात्रा है, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क, संघर्ष, इसका घर है तीसरा घर। अब दोस्तों यदि बुध नवे घर में अच्छे बैठेंगे, अच्छे नंबर से अच्छी राशियों के साथ, जो मैंने पहले आपको बताई, यदि उन नंबर से उन राशियों के साथ बुध नवे घर में बैठेंगे तो अपने बहुत अच्छे फल देंगे। क्या अच्छे फल देंगे? व्यक्ति का भाग्य बुध की महादशा अंतरदशा में बहुत साथ देगा। व्यक्ति की अपने पिता से बनेगी, पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होगा, पिता का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होगा बुध की महादशा या अंतरदशा में। धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो जाएगा, अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति यदि स्टूडेंट या छात्र है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा बुध की महादशा अंतर्दशा का समय हो जाएगा, क्योंकि बुध स्वयं अपने आप में बुद्धि को दर्शाते हैं, बुद्धि के कारक हैं। और बुद्धि जब एजुकेशन के हाउस पर आ गई तो सोचिए कितना अच्छा काम करेगी यदि अच्छे बुध हो तो यहाँ पर व्यक्ति का एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। हायर टू हायर रिसर्च में व्यक्ति जा सकता है, मास्टर्स डिग्री, और उसके आगे भी व्यक्ति आसानी से कर पाएगा बुध की महादशा या अंतर्दशा में। हालांकि कुछ और ग्रहों का कैलकुलेशन लगेगा, लेकिन नॉर्मली बुध बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं और बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब तो यही परिणाम मिलेंगे। अब यहां से बुध अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालेंगे तो तीसरे घर में व्यक्ति का पराक्रम बढ़ेगा बुध की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति की भागा दौड़ी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी यात्राएं व्यक्ति की बढ़ जाएगी, लेकिन उससे उसको लाभ मिलेगा। व्यर्थ की भागा दौड़ी नहीं होगी, व्यर्थ का खपना नहीं होगा, व्यर्थ का हार्डवर्क नहीं होगा। हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है, लेकिन उससे यदि लाभ मिले तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हार्डवर्क तो सबको करना चाहिए, तो इस तरह बुध यदि अच्छे बैठेंगे तो व्यक्ति हार्डवर्क करेगा और हार्डवर्क करके अपना लाभ लेगा, लाभ अर्जित करेगा, यात्राएं करेगा, लेकिन उससे लाभ उसको मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा। तो इस तरह से बुध अपने बहुत अच्छे फल देते हैं अपनी महादशा या अंतर्दशा में। लेकिन यदि बुध खराब बैठे हों, कौन कौन सी राशियों के साथ, फिर से दोहरा देता हूं, चार नंबर या फिर कर्क राशि, 9 नंबर या फिर धनु राशि, और 12 नंबर या फिर मीन राशि, और यदि नीच के बैठे हो 12 नंबर के साथ, तब तो अपने बहुत खराब फल देंगे। व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा बुध की महादशा या अंतर्दशा में। पिता से या तो व्यक्ति की दूरी हो जाएगी या पिता से व्यक्ति की नहीं बनेगी। व्यक्ति यदि स्टूडेंट है, व्यक्ति यदि छात्र है, तो उसके लिए भी ये समय खराब हो जाएगा। अच्छे से वो पढ़ाई करने में या तो उसका मन जरूर लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ 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 ना कुछ मुसीबतें आ जाएंगी, या फिर पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा। मतलब ओवरऑल रोकना, पढ़ाई से रोकना, हायर एजुकेशन से रोकना, इस तरह के योग बनेंगे, चाहे वो व्यक्ति खुद बनाए या चाहे परिस्थितियां बनाए। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होगा या धर्म से व्यक्ति की दूरी हो जाएगी। जब बुध अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालेंगे तो व्यक्ति के पराक्रम में, व्यक्ति के साहस में कुछ कमी आएगी, व्यक्ति की फिजूल की भागा दौड़ी चलती रहेगी, फिजूल का हार्डवर्क चलता रहेगा, और उससे व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना वो हार्डवर्क, जितनी भागा दौड़ी वो कर रहा है उतना। तो इस तरह से बुध अपने खराब फल देंगे यदि बुध खराब बैठे हैं नवे घर में तो। अब दोस्तों यहां पर यदि बुध खराब बैठे हैं तो बुध देव का जो रत्न है पन्ना, ग्रीन एमराल्ड, इसे बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? बुध देव का एक बीज मंत्र है, ओम बोम बुधाय नमः। इस बीज मंत्र की एक माला का जप आपने जरूर रोज करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। इस बीज मंत्र से आपके जो बुध देव खराब फल दे रहे हैं उनमें जरूर शांति मिलेगी। हाँ, बुध यदि अच्छे बैठे हैं तब जरूर बुध देव का जो रत्न है पन्ना जरूर धारण किया जा सकता है। अच्छे बैठे हैं मतलब जो पहले मैंने बताया कि उन नंबर से उन राशियों के साथ बैठे हैं, जिन नंबर से जिन राशियों के साथ बुध अच्छे फल देते हैं, तो वहां पर आप पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छे फल मिलेंगे और ज्यादा फल, अच्छे फलों में उन्नति हो जाएगी। लेकिन खराब में कम से कम पन्ना आपको धारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहां पर हमने बात की कि बुध नवे घर में अलग अलग नंबर से अलग अलग राशियों के साथ होंगे तो अपने क्या फल देंगे, कैसे फल देंगे, किन नंबर से किन राशियों के साथ अच्छे और बुरे फल देंगे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।